हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क परमिट रिसीवर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क परमिट रिसीवर की क्या होती है, आज हम उसके बारे में पूरा बढ़िया से बात करेंगे कि एक वर्क परमिट रिसीवर को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलती है, उसको क्या क्या काम करना पड़ता है एज अ परमिट रिसीवर वर्क पे, आज हम उसके बारे में पूरी बात करेंगे। और ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। यहाँ हम देख रहे हैं वर्क परमिट रिसीवर। वर्क परमिट रिसीवर कौन होता है, जो काम स्टार्ट करने के लिए एक परमिट को रिसीव करता है, पूरे क्रिटेरिया को फुलफिल करके, उसी को हम वर्क परमिट रिसीवर बोलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कम्युनिकेट एनी चेंज इन कंडीशन और एबनॉर्मिलिटी। उसको क्या है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ भी चेंजिंग आती है कंडीशन में या कुछ ऐसा अलग सा दिखता है काम में, एबनॉर्मिलिटी दिखता है, तो उसका कम्युनिकेट करना है, उसका बात करना है, उसका इन्फॉर्मेशन वर्क परमिट रिसीवर को देना पड़ता है। वहाँ के एरिया इंचार्ज को या वहाँ पे शिफ्ट सुपरवाइजर होता है, जो भी होता है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि वर्क में ये कंडीशन चेंज हो रहा है या कुछ एबनॉर्मिलिटी, मतलब ये अलग अलग सा दिख रहा है, तो ये आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। मेंटेन हाउस कीपिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग आफ्टर जॉब। क्या करना है आपको, मेंटेन हाउस कीपिंग रखना है। हाउस कीपिंग की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो भी वर्क परमिट रिसीवर को होती है। काम करने से पहले वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा सामान है, बिफोर और ड्यूरिंग, काम के दौरान भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी आपको मेंटेन करना है हाउस कीपिंग। एरिया को एकदम क्लीन करके रखना है। कंडक्ट लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट। लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट क्या होता है ना, परमिट के पीछे एक सेक्शन दिया रहता है जिसको हम लम्बरा बोलते हैं, यहाँ पे लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट, उस पर कुछ सेफ्टी का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है कि यहाँ पे एमसीपी किधर है, इस जॉब के बारे में आपको पता है कि नहीं, इसका सेफ्टी शावर किधर है, असेंबली पॉइंट यहाँ पे किधर है, एग्जिट रूट इधर का इमरजेंसी वाला किधर है, ये सब उसमें दिया हो रहता है। लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट बैक साइड में जो दिया रहता है, तो ये उसको जॉब करने से, स्टार्ट करने से पहले कंडक्ट करना पड़ता है। यहाँ हम देख रहे हैं डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन लिविंग द शिफ्ट। अपनी जिम्मेदारी को क्या होना सौंपना होता है। एक परमिट रिसीवर की ड्यूटी मैक्सिमम 12 घंटे की हो सकती है। अगर ये 12 घंटे आपका फिनिश होता है तो काम फिनिश नहीं हो रहा है, तो आपको क्या है ना, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वो किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा, जिम्मेदारी उसको देकर और वो काम को समझा के जाना पड़ेगा। तो डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन लिविंग द शिफ्ट। इंश्योर प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ ऑल परमिट्स ऑन वर्क साइट। इंश्योर प्रॉपर डिस्प्ले, जितना भी परमिट है ना, वो सबको क्या करना है ना, साइट पे आपको डिस्प्ले करना है। मतलब साइट पे परमिट का एक बॉक्स होता है, या साइट पे जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे परमिट को टांग के रखना है, साइट पे ही होना चाहिए डिस्प्ले, दिखना चाहिए कि मैंने परमिट लिया है इस काम के लिए। यहाँ देख रहे हैं इंश्योर नेक्स्ट शिफ्ट इश्योर एक्सटेंड और क्लोज परमिट एज रिक्वायर्ड। आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि नेक्स्ट शिफ्ट इश्योर जो आएगा ना, वो परमिट को क्या करेगा ना, एक्सटेंड करेगा, क्लोज परमिट करेगा। जो शिफ्ट अगर ये चेंज होता है, 8 आवर्स का कभी शिफ्ट होता है, वो चेंज होता है ना, तो वो इंश्योर करेगा नेक्स्ट शिफ्ट वाला कि अभी परमिट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, हमको ये एक्सटेंड करना है या ज़्यादा देर का काम है तो हमको क्या है ना, री परमिट फिर से लेना है। वो डिसाइड कौन करेगा, नेक्स्ट शिफ्ट में जो आएगा इश्यूअर वो डिसाइड करेगा। क्लोज परमिट आफ्टर जॉब कंप्लीशन। जॉब जब खत्म हो जाता है, पूरा काम अच्छे से हो जाता है, तो परमिट को क्या है ना, क्लोज कर देना है। काम खत्म हो गया, परमिट क्लोज करके जो सॉफ्ट वाला कॉपी होता है वो आपको हैंडओवर लेना पड़ेगा, और इश्यूअर के पास जो अपना काम वाला जो कॉपी होता है, जो हम साइट पर डिस्प्ले करके रखते हैं, वो आपको क्या है ना, इश्यूअर को हैंडओवर करना पड़ेगा, और काम को, परमिट को क्या है ना, उसके बाद क्लोज कर देना है। यहाँ हम देख रहे हैं वर्क परमिट रिसीवर के लिए अंडर एस्टेट द जॉब टू बी परफॉर्म। क्या है ना, एक वर्क परमिट रिसीवर को उस काम के बारे में समझ होना चाहिए। आप जब तक उस काम को समझते नहीं हैं, जब तक आपको वर्क परमिट क्या है ना, रिसीव नहीं करना है। वो जो काम आप करने जा रहे हैं साइट पे, वो पूरा काम आपको अच्छे से पता होना चाहिए उसके बारे में। इंश्योर इंटायर क्रू इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म एक्टिविटी। आपको ये भी इंश्योर करना है, आपको पता करना है कि आप जो टीम को लेके जा रहे हैं उस काम के लिए, वो क्वालिफाइड है कि नहीं इस काम को करने के लिए। इंश्योर इंटायर क्रू कंप्लायंस विथ
SMP हजार्ड असेसमेंट एंड कंट्रोल फॉर्म वर्क परमिट एंड JSA। आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी आपका क्रू मेंबर है, जो भी आपका टीम मेंबर है, उसको स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर, हजार्ड असेसमेंट कंट्रोल फॉर्म, वर्क परमिट और JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस के बारे में उसको पता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। और नहीं पता है तो उसको पहले बताना है। इंश्योर इंटायर क्रू कंप्लायंस विथ ऑल कंट्रोल मेजर। आपको ये भी चेक करना है कि आपका जो क्रू मेंबर है, वो जिस काम करने जा रहे हैं आप, वो काम का कंट्रोल मेजर उसको पता है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। और उस क्रू मेंबर को बताना है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं और इसका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंड बाय मैन एंड फायर वॉच व्हेन इंश्योर स्पेसिफिक इट ऑन वर्क परमिट। आपको ये चेक करना है कि स्टैंड बाय मैन और फायर वॉच के लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अगर जो वहाँ पे दो सेक्शन होता है वर्क परमिट पे, एक स्टैंड बाय मैन का होता है और एक क्या होता है, फायर वॉच का सेक्शन होता है। अगर इंश्योर उस पर टिक कर रहा है कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो ये आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके पास स्टैंड बाय मैन है कि नहीं या फायर वॉच है कि नहीं। अगर जो आपके पास ये दोनों है, फिर आप ले सकते हैं परमिट। अगर जो हॉट वर्क है तो उसके लिए फायर वॉच रिक्वायर्ड होता है। अगर जो आपका कन्फाइंड स्पेस का जॉब है तो उसके लिए स्टैंड बाय मैन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ हम चेक करें इंश्योर एनी लॉक आउट टैग आउट इज परफॉर्म एज रिक्वायर्ड। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे लॉक आउट एट टैग आउट का रिक्वायर्ड है कि नहीं, उस काम में लोटो का यूज करना है कि नहीं करना है, ये भी आपको इंश्योर करना है, चेक करना है। अगर ये रिक्वायर्ड है तो आपको लॉक लेकर जाना है और अपने पूरे क्रू मेंबर से वहाँ पे लोटो करवाना है और कीज सबके पास रहेगा और एक बॉक्स के अंदर जो मेन कीज होता है उस पर लॉक सबसे लगवाना है, फिर ही आपको क्या करना है, काम स्टार्ट करना है। तो ये एक वर्क परमिट रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हम इसके बारे में बात किए हैं कि एक वर्क परमिट रिसीवर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो मेन पॉइंट है ना, पूरा ये पूरा साबिक में सऊदी में पूरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म किया जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें।